नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है करवा चौथ पर सर्गी पर बदरा का साया है। बदरा के साया होने करके कितने बजे हम सर्गी खाएं? करवा चौथ व्रत की शुरुआत का पहला स्टेप सर्गी खाना होता है। सर्गी खाने के बाद महिलाएं कुछ भी नहीं खाती और पीती। बड़े बुजुर्गों से यह रीति चली आ रही है सर्गी लेने की। सर्गी क्यों ली जाती है? क्योंकि समय के चलते कभी हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो हमारे स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े और उस परिस्थिति का सामना हम आसानी से कर पाएं। अब मैं बात करूँगी सर्गी देता कौन है। सर्गी सास अपनी बहू को देती है तो जो उसके जीवन में संपन्नता बनी रहे, अन्नदान की कमी ना हो। सर्गी की थाली में क्या क्या रखें? सर्गी की थाली में मीठे फल, फेनिया, मट्ठे, मठरी। इसके अलावा सर्गी की थाली में सुहाग सामग्री भी रखी जाती है। और इसके अलावा अगर ससुराल वाले समर्थवान हों तो वो सोना चांदी का कोई जेवर भी रखते हैं। करवा चौथ व्रत के दिन आप फेनिया जरूर खाएं, क्योंकि फेनिया शुभता का प्रतीक है। इस थाली में सास अपनी बहू को सुहाग की चीज़ें भी देती हैं। ये वो प्रेम भाव है जो सासू माँ द्वारा अपनी बहू को सर्गी के रूप में दिया जाता है। सर्गी ब्रह्म मुहूर्त में ही खाई जाती है, क्योंकि उस समय समस्त देवी देवता पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। आज के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और पूजा पाठ संबंधी सभी कार्य करें। सर्गी के समय अगर बदरा का साया होगा बहुत अच्छा नहीं होगा। बदरा का साया सुबह 6:26 से बदरा का साया शुरू हो रहा है और 6:47 तक रहने वाला है। सिर्फ 21 तक का इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रभाव इसलिए नहीं है कि वो पृथ्वी लोक की बदरा नहीं है, स्वर्ग लोक की बदरा है। चाहे इसका प्रभाव हमारी लाइफ पर, हमारे वर्तवास पर नहीं भी पड़ता, परंतु फिर भी हमें इस समय को छोड़ना ही होगा, क्योंकि हम इस समय को छोड़ सकते हैं। इस समय को छोड़कर ही आप सभी कार्य करें। आपको सभी कार्य करने चाहिए। आपने 6:26 से पहले स्नान आसन निमर्त होकर शुद्ध वस्त्र पहनने हैं और दैनिक पूजा करनी है और उसके बाद आप सर्गी खाना है। सर्गी खाने के बाद कुछ समय आप साइन जरूर करें, यानी कि सो भी सकते हैं, ताजो जो पिछले दिन में काउंट हो जाए, यानी कि जब उदय तिथि शुरू हो जाती है उससे पहले किया हुआ कार्य वो आपके पूरे दिन के वर्त में नहीं आता, आपके पूरे दिन के वर्त में प्रभाव उसका नहीं होता। यानी कि आप उदय तिथि के साथ निर्जला और निराहार वर्त का प्रभाव आपके जीवन के अंदर हो जाता है। करवा यानी कि जो हमने पहले सर्गी वगैरह खाई है उसका प्रभाव हमारे लाइफ पर, हमारी वर्तवास पर नहीं पड़ता। जब हम साइन कर लेते हैं, जब हम सो जाते हैं, जब हम लेटते हैं थोड़ी देर बाद, फिर उसके बाद जो उदय तिथि होती है उदय तिथि के अनुसार हमारा वर्त शुरू हो जाता है। और पिछले समय हमने जो भी चीज़ खाई है, जो भी पिया है, वो हमारे वर्त पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप साइन जरूर करें। करवा चौथ का व्रत पर आप गिले शिकवे त्याग कर रखें। किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी का अपमान भी ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। बड़े बुजुर्गों के कहे अनुसार ही आप अपने व्रतवास को रखें। सर्गी ब्रह्म मुहूर्त में क्यों की जाती है? क्योंकि उस समय सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर होते हैं, भ्रमण कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। करवा चौथ पर सर्गी पर बदरा का साया, इसलिए आप इस समय को छोड़कर ही सर्गी करें तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।